गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम फोकस है प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको LLB यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, या जिसको बैचलर ऑफ लॉ भी कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसका एंट्रेंस जो है उसमें सिलेबस क्या होगा, क्या डेट है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले बहुत से बच्चों की, फिर मैं कहूँगा बहुत से बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि सर आपका हमें लेटेस्ट वीडियो नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले ये चैनल है जो मेरा नहीं आपका चैनल है, ये इसका नाम है संदीप सर विजय लक्ष्मी एकेडमी, याद रखिएगा स्पेलिंग SUNDEEP है। सबसे पहले आप इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके पास देखिए सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन आएंगे तीन, आपको सिलेक्ट ऑल की घंटी बजानी है, क्योंकि सिलेक्ट ऑल की घंटी बजाएंगे तो आप जो भी प्रॉपर नोटिफिकेशन रहेगा वो प्रॉपर आपके पास पहुंचता रहेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर के या फिर पढ़ाई से, मैं आपको अपडेट प्रॉपर आप होते रहेंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने LLB यानी आपको हम इसको सीधे कहते हैं कि हम बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ या फिर बैचलर ऑफ लॉ के लिए एडमिशन 2020 के लिए उसने फॉर्म निकाले हुए हैं, जो 10 तारीख से हैं, स्टार्ट है 10 मई से। लेकिन सबसे पहले फॉर्म भरते समय आप एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसको हम आपको बताएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हैं वो बताएंगे, फिर उसके बाद इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप तैयारी करके इसमें मेरिट में अच्छे से अच्छे नंबर पाके आप एक अपना LLB का जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अभ्यर्थी प्रवेश फॉर्म भरते समय जो भी आपने बच्चा 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो नाम है आपका, जो क्वालिफिकेशन है, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में जो चीज़ है वो एक सी होनी चाहिए, उसको आराम से भरिएगा, नहीं तो एडमिशन के समय आपका क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एकदम सही सही भरिएगा, नहीं तो आपको लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज़ और बता दें, यूनिवर्सिटी के द्वारा ये भी बताया गया है कि अगर किसी जगह पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें अभ्यर्थियों की संख्या 100 से कम होगी तो इस दशा में यूनिवर्सिटी क्या करेगी, दूसरा आपको क्या दे देगी, जो सेंटर है वो आवंटित कर देगी एंट्रेंस के लिए जो भी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। फिर आपको जो रिजर्वेशन है, अगर आप OBC हैं, SC ST हैं, EWS हैं, उसके एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्तमान सत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान सत्र 2018-19 में अह परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने के प्रत्येक वर्ष के गैप पर 5 वर्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों की कटौती की जाएगी, अधिकतम कटौती 15% होगी। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका इस साल 2019 में अगर ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी एंट्रेंस में आप एक नंबर पाएंगे वो आपका पूरा का पूरा क्या होगा, चढ़ेगा, है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 2018 का ग्रेजुएशन है तो इसको समझिएगा आपका 5%, अगर 2017 का ग्रेजुएशन है आपका तो 10%, और अगर 2016 का ग्रेजुएशन है तो 15% मैक्सिमम आपके मार्क्स कटे जाएंगे। किस में से, मैरिट में से, आपका जितना भी आप ओवरऑल पाएंगे उसमें से 15%। और अगर आपका 2000 मान लीजिए 15 का है, आप LLB करना चाहते हैं, 2000 मान लीजिए 11 का है, या हम कहें 2016 से पहले का है, तब भी आपका जो मैक्सिमम परसेंटेज है एंट्रेंस में से वो कितना कटेगा, 15% कटेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के अपनी मेरिट आप क्या करिएगा, हाई करिएगा अगर आपका गैप है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई में आपका नाम नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा किसी तरह की, हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है, तो सामान्य आर्थिक कमज़ोर वर्ग, इसको EWS कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये 800 रुपये है LLB की फ़ीस, एंट्रेंस फीस। और फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं या दिव्यांग हैं तो उसकी फ़ीस है कितनी, 400 रुपये है। एक चीज़ और है कि प्रत्येक अभ्यर्थी प्रवेश भवन में परीक्षा फल घोषित होने के 1 माह के अंदर 100 रुपये के टोकन शुल्क देकर
अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण कर सकता है। यानी आपको अगर आपको डाउट होता है कि आपको नंबर कम मिले हुए हैं, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके एक माह के अंदर अंदर आप ₹100 की टोकन फीस देके जो परीक्षा भवन है वहां पे आप जाके इसको जमा करके अपनी स्क्रूटनी आप क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स इसकी महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन पंजीकरण का कब से स्टार्ट हो चुका है, 10 मई से स्टार्ट हो चुका है, इसको याद रखिएगा। लास्ट डेट क्या है अभी आपको बता दें, आपके पास प्रॉपर समय है लेकिन आप इसको जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि ये लगभग जून के पहले या दूसरे सप्ताह तक जाएगा, लेकिन उतना वेट मत करिए क्योंकि ये अभी इसमें लिखा हुआ है कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उस हिसाब से हम क्या करेंगे, लास्ट डेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देगा, लेकिन आप वेट मत करिए स्टूडेंट्स। ऑनलाइन आवेदन जमा पत्र करने की अंतिम तिथि है, इसके बारे में भी कोई अभी डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन आप इसको जल्द से जल्द फॉर्म क्या करें, भर दें। ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि तो अभी इसके बारे में भी नहीं बताया गया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको एडमिशन का जब भी डेट रहेगी उसे एक सप्ताह पहले आपको बता दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड भी आपके उसी समय क्या होंगे, अपलोड हो चुके होंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे पहले आज देखिए स्टूडेंट्स कितनी तारीख है, आज 14 तारीख हो रही है, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को क्या करिए, भर दीजिए, अगर आपको LLB करना है तो। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। देखिए अब LLB आप कर रहे हैं बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ या बैचलर ऑफ लॉ, तो आपको बता दें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसको समझिए। आपकी एलिजिबिलिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि विभाग एवं संघटक महाविद्यालय जैसे CMP तथा ADC के LLB त्रिवार्षिक सेमेस्टर, त्रिवर्षीय सेमेस्टर का मतलब है आपके 6 सेमेस्टर होंगे। पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष यानी सन 2020 से 21 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसको आपको बता ही रहा हूं मैं। प्रवेश परीक्षा हेतु कला, वाणिज्य, कृषि, इंजीनियरिंग, मेडिकल के अगर आप स्टूडेंट हैं, कि अगर आपने स्नातक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपके अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 45% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। फिर उसके बाद अगर आप OBC से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन में 42% होना चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। मैं इसको सही बता दे रहा हूँ, अगर आप SC ST के हैं तो आपका 40% आपका किस में होना चाहिए, ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और ऐसे बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, मैंने बताया कि जो इस साल 2019 में ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सारी जो चीजें हैं आपको पूर्ण करनी पड़ेंगी, नहीं तो आपका एडमिशन रुक सकता है। इतना तो हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको कहाँ जाके और एडमिशन के लिए पता चलेगा, तो www.aupravesh2020.com या फिर एक लिंक और है www.alldanIV.ac.nin पे जाकर आप देख सकते हैं। आपको बता दिया है आपका जो शुल्क है ₹800 है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर आप रिजर्वेशन यानी जनरल OBC और अगर EWS है तो ₹800 है। SC ST दिव्यांग और अगर आप हैं तो आपकी फीस क्या है, ₹400 है। चलिए एक चीज याद रखिएगा, प्रवेश परीक्षा डाक द्वारा निर्गत नहीं किया जाएगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं तो याद रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि विभाग में देखिए कौन कौन से कॉलेज हैं। विधि संकाय मेन कैंपस है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, फिर उसके बाद CMP है और फिर ADC महाविद्यालय है। तीन के लिए आपको एंट्रेंस क्या है आपका होगा, और अपनी मेरिट हाई करनी पड़ेगी जिससे आप LLB कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें कोई नॉर्मली चीज़ें हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। ये आपको बताया ही जा चुका है कि ग्रेजुएशन में आपका कितना होना चाहिए, अगर आप अनारक्षित हैं, EWS हैं तो 45%, अन्य पिछली जाति के हैं तो 42%, और अगर SC ST हैं तो 40% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी जो प्रवेश परीक्षा होगी स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो 150 क्वेश्चंस होंगे। मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा उसका अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में, और ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। और एज पर जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स होते हैं, रिजर्वेशन वैसे ही मिलेगा आपको। 15% अनुसूचित जाति के लिए है, 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए है, 27%
पिछला वर्ग के लिए, और जो सारे 10% EWS के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें चली रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बता दें आपको, दिव्यांग का कोटा रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, कोई वो नहीं है। जो मेन है आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ जिससे आपको तैयारी करनी है। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, इसके बाद आप करियर के रूप में गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में आप काम कर सकते हैं, राइटर बन सकते हैं लॉ अगर आप कर लेते हैं तो उसी फील्ड में, है ना। ये याद रखिएगा, हाँ ये तो सब बता चुका हूँ मैं आपको, कि 5% का आपका हर साल मैक्सिमम 15% कटेगा। अब आप थोड़ा सिलेबस की मैं अगर स्टूडेंट्स बात करूँ, आपका ये आ गया सिलेबस, ये रहा आपका जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, जिससे ये रहा आपका खंड दो, प्रवेश का स्वरूप एवं व्यवस्था, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसा होगा इसको समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरिट आपको हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कट ऑफ मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहेगा, बहुत से बच्चे इसके लिए लगे होंगे। तो सबसे पहले LLB के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी स्टूडेंट्स, वो 2 घंटे की होगी, और इसमें 150 प्रश्न होंगे, और 150 और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी मैक्सिमम आपका कितने नंबर होंगे, 300 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। मूल्यांकन पद्धति देख लीजिए, अगर देखिए आप, आपके पेपर को 3 भाग में बांटा गया है। भाग एक में भाषा परिज्ञान होगा, भाग दो में सामान्य अभिज्ञान एवं सांप्रतिक, यानी आपको बता इसके सार बारे में हम पूरा बताएंगे। भाग तीन में होगा आपका लॉजिकल होगा और मानसिक योग्यता, और आपका इससे विधि से, यानी कि जो आपका लेजिस्लेटिव है उससे भी क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए तो बता ही दिया। भाग एक आप भाषा परिज्ञान में क्या होगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भाग एक रहेगा, ये आपका 50 नंबर का रहेगा, ये याद रखिएगा, 50 नंबर के रहेंगे। 25 आपका हिंदी रहेगा क्वेश्चंस, और 25 आपके इंग्लिश रहेंगे। अभी और आगे है, आपको हम बताते हैं इसमें क्या क्या आएगा। इस भाग में 2 खंड होंगे, जिसमें हिंदी परिज्ञान हो गया तथा अंग्रेजी भाषा परिज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसा मैंने बताया, दोनों खंडों हेतु प्रवेशार्थी को उस स्तर का भाषा बोध होना चाहिए जो हिंदी एवं अंग्रेजी का विशिष्ट अध्ययन किए बिना एक स्नातक से अपेक्षित होता है। दोनों खंडों में अपठित गद्यांश के बोध, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति श्रम, श्रम शब्दों के अर्थ, भेद, शब्दानुवाद, पद व्याख्या, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग के शुद्धिकरण, अपूर्ण वाक्यों की, मुहावरे, लोकोक्ति, सही संज्ञान एवं प्रयोग, सरल व्याकरण एवं अलंकार, दैनिक प्रयोग की विधि, शब्दावली, सार लेखन आदि परिलक्षित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, वोकैब्स होंगी, जो आप एक नॉर्मल अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। भाग दो की बात करें, ये भी 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। 3 भाग है मैंने बताया आपको, 150 के। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जनरल अवेयरनेस एवं करंट अफेयर्स होगा। इस भाग में सामान्य ज्ञान की प्रारंभिक परिधि के साथ विश्व एवं भारतीय इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृत के प्रमुख तथ्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समकालीन राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संधि आदि के अभिज्ञान परिलक्षित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी करंट अफेयर्स में आपसे सब कुछ अपेक्षित किया जाता है। फिर उसके बाद आपका तीसरा जो भाग होगा, ये भी 50 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसमें आएगा आपका, इसको समझिए, इसमें आपका तर्कण हो गया, मानसिक क्षमता एवं विधिक अधिक क्षमता होगा,
यानी प्रॉपर लॉ से थोड़े क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे, इसमें क्या है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एवं लीगल एप्टीट्यूड नाम भी दिया गया है। चलिए इसको समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। इस प्रश्न पत्र में बौद्धिक योग्यता, तार्किक, गणितीय विश्लेषण, निगमन, विवेचना, समविवेचन, विवेक, वर्गीकरण, तर्क, दोष एवं संगठित विसंगठित, अभिज्ञान, निष्कर्ष, निष्पादन आदि के सामर्थ्य परिलक्षित वस्तुनित प्रश्न होंगे। विधिक अधिक्षमता में संविधान, विधिक व्यवस्था, संवैधानिक विधिक सिद्धांतों एवं व्यवहार से संबंधित प्रश्न होंगे। मैं इसको इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको समस्या होगी मैं इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दूंगा। प्रश्न पत्र पुस्तिका के प्रश्नों का उत्तर के संबंध में ये रहे आपके टोटल। अब आप इसको देख लीजिए, भाग एक में हिंदी परिज्ञान है, अंग्रेजी परिज्ञान है, परिज्ञान है, और टोटल देखिए 25-25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये हो गए, फिर उसके बाद सामान्य जैसे जीए के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के, तर्कण एवं मानसिक क्षमता के 25 होंगे, विधिक अधिक्षमता के 25 होंगे, यानी टोटल आपका देखो तो 300 नंबर का होगा। इसको आप जोड़ लीजिए, 100 ये है, 200 ये हुआ, ये 300 हुआ। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी तरह का, ये तो आपने पढ़ लिया, अगर किसी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको ये बता ही दिया है मैंने कि आप इस पे जाके कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये रहा आपका, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिए, कन्वीनियंस के लिए आपने जो हेल्पलाइन डेस्क है 9453819385 या 9455874516 पर, या ईमेल कर दीजिए helpdesk@auprawesh2020@gmail.com। और कॉल सेंटर आप अगर ये याद रखिएगा, जो समय है फ़ोन करने का वो 10 बजे से 7 बजे तक का है, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक आप फ़ोन करके अपनी क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दूँ सिलेबस क्या है, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ सिलेबस के बारे में। ये रहा आपका, इसमें क्या क्या आएगा देखिए, फिर वही बात है कि पैटर्न ऑफ एडमिशन टेस्ट कितने का होगा, मैंने बताया था 2 आवर्स का होगा ये आपका पेपर होगा, और 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स के होंगे। 3 पार्ट में डिवाइड है, देखिए कौन कौन से पार्ट हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ आपको, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 हिंदी के आएंगे और 25 आपके इंग्लिश के आएंगे, ये हिंदी और इंग्लिश। कोर्स क्या, दिस पार्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, आपकी जो हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोजेस लिंग्विस्टिक स्किल इन बोथ द लैंग्वेज ऑफ लेवल इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट हु हैज नॉट हैड सीन एज स्पेशल सब्जेक्ट्स इन बोथ द सेक्शन। द टेस्ट पेपर सेल कॉम्प्राइज पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सिनोम्स हो गया, एनाटॉम्स हो गया, वर्ड्स कॉमनली यूज, वोकैब्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग हो गई, आइटम्स हो गए, फ्रेज हो गए, सिंटेक्स हो गए, ग्रामर हो गए, नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स हो गए, ये सारी चीज़ें, फिगर ऑफ स्पीच, लीगल टर्म्स हो गए, प्रीसी राइटिंग हो गया, ये सब आएगा। पार्ट टू में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में दिस पेपर सेल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू जनरल अवेयरनेस अबाउट द मेजर फैक्ट्स रिलेटिंग टू इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, रीजनल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव, यानी कहने का मतलब आपका होल सोल आपको जीए का नॉलेज आपके पास आएगा। ये भी कितने का रहेगा, ये भी 50 नंबर का रहेगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड तीसरा भाग रहेगा, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल मैथमेटिकल एनालिसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, ऑड इवन डिस्ट्रक्शन आएगा, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल एनालॉजी आएगी, सिलॉगलिज्म आएगा, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट आएगा, फिर उसके बाद टू जज द बेंट ऑफ माइंड ऑफ कैंडिडेट, द क्वेश्चन इज लीगल एप्टीट्यूड इज रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, ये रहा आपका पूरा का पूरा इंग्लिश में। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन रहेगी 50 नंबर की, जिसमें हिंदी के 25 रहेंगे क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 रहेंगे, और आपके
टोटल मार्क्स 100 के रहेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 रहेंगे। फिर उसके बाद करें रीजनिंग एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड के 50 रहेंगे, 25 रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से रहेंगे, और लीगल एप्टीट्यूड यानी कॉन्स्टिट्यूशन और जो लीगल फॉर्मेट्स हैं बहुत बेसिक रहेंगे उससे 25 क्वेश्चन रहेंगे। यानी टोटल आपके 300 क्या कहते हैं 300 नंबर पे आपका मेरिट डिसाइड होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, इसको आप फॉर्म को भरिए और ये नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप क्या करिए, कॉल करके आप प्रॉपर क्या कर सकते हैं, ये रहे वो नंबर, ये आ गए वो नंबर, इस पे आप कॉल करके अपनी फर्दर क्वेरीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी लक्ष्य के साथ कि आप स्पेशल तैयारी करें, एंट्रेंस पाएं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, अपने ड्रीम को एक अच्छी तरह से बनाएं। अगले हम वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड लक।